ये हैं जी कुछ पैसे, और ये आपने अपने लिए कुछ ले लेनी है, ठीक है? चलो जाओ आप अब्बू के घर। अब्बू के घर अभी हम आए हैं यहाँ पे बकरा देखने के लिए। हमने बकरा जिबा करना है तो वो देखना था। मैं सो रहा था, अब्बू की कॉल आई तो मैं उठा नहीं पाया। फिर अब्बू घर आ गए, उन्होंने बताया कि एक जगह बकरा ठहरा हुआ है, हमने लेना था और किसी के लिए जो खैरात करनी थी, सदका देना था। तो हमने कहा चलें अभी चलते हैं वहाँ से बकरा लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस पोजीशन में है, कैसा है, तो अभी चेक करते हैं। वो इधर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश बनी हुई है और आंधी भी आ गई है। तो ये हमने बकरा लिया है, तो जो पहले लिया था उससे थोड़ा सा हल्का है। बस चलें हमने खैरात करनी है अल्लाह के नाम पर, तो ये अभी ले चलते हैं जी वहाँ अपने घर और इसको करवाते हैं जीबा। बादलों ने सूरज को घेर लिया है और यहाँ देखें बादल, अभी मैंने आपको दिखाए हैं ये बादल जो है वो आ गए हैं। और ये बकरा जो है ना हमने लिया ले लिया है घर। अभी उसको बंदे को फ़ोन करते हैं और इसको जो है ना ज़िबा करवा के ना गोश्त का तकसीम करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हमने कहा चले यहाँ पे छोड़ देते हैं, चले कुछ ना कुछ खा लेगा, पानी वगैरह पिला देते हैं इसको, क्योंकि फिर कहते हैं गुनाह होता है को इसको ना जानवरों को पहले खिला के ना फिर वो करते हैं ज़िबा। तो मैंने कहा चलो इसको खोल देते हैं यहाँ पे। चलो जी अभी बकरा आ चुका है, अभी इसको ज़िबा करते हैं, ठीक है? हाँ अरहम आप अभी कैसी तबीयत आपकी? ये देखें जी पाँव अरहम का, ये छाला बना हुआ है पाँव के ऊपर, और ये भी शरारती तो है, आप क्या करें इसका, नोटी बोएगा। हाँ हाँ क्या है उसका वहाँ पे भा है, वहाँ पे भाल लगी थी आपको, आग लगी थी, पिछड़ाते ना क्या करो। ये देखें यहाँ पे भी इसने खाई है, पता नहीं क्या खाया है यहाँ पे। अभी देखें यहाँ पे भी रगड़ खाई हुई है, अभी देखें पाँव जला के आ गया है। 24 घंटे तो आपके यही काम होते हैं, अब बंदा क्या कहे आपको, हैं? डर लगता है इसीलिए पाँव जला के आ जाते हो। ये क्या था, बकरे से डर लगता है जब ज़िबा करते हो ना, इसने बात बदल ली। हाँ हाँ ले जाएं, जाओगे अबू के घर फिर बाहर ना जाना, फिर नूस ने डोगी की तरह रूढ़िया रूढ़िया फिरते रहते हो फिर। हाँ जाओगे बाहर, जाओगे तो फिर मैं नहीं जाने दे रहा, फिर यहीं पे रहो आप, अंदर बैठना अम्मी के साथ, ठीक है? हाँ मैं आऊँगा फिर देखूंगा, मैं जूती वहीं पे पड़ी है आपके उधर। तकबीर बकरे को दें जी, दें भाई। तो ये बकरा हमने ज़िबा कर दिया है, ये है हमारी बहन, बहुत ही प्यारी बहन है हमारी, और हमारे जो भाई हैं उनके हस्बैंड, उनकी जो तबीयत कुछ ख़राब थी, उनका दिल का मसला हुआ है, तो हमने कहा चलें उनके लिए जो है ना ये बकरा ज़िबा करते हैं, और अल्लाह पाक करे कि इस बकरे के सदके उनकी तबीयत वो ठीक हो जाए, वो घर आ जाए खैर खुशी से। तो हमने इसलिए ना ये ज़िबा किया है ताकि वो उनकी तबीयत जो है ना वो जिस तरह पहले थे ठीक ठाक वैसे हो जाएं, तो अल्लाह पाक ये कबूल करे। तो जी अभी इसकी हो रही है सफाई, देखें उसकी चमड़ी जो है ना जिस तरह पहले मैंने बकरा ज़िबा किया था उसकी चमड़ी वगैरह निकाली थी, उसकी सफाई वगैरह की थी, ये वैसे ही जो है ना कर रहे हैं। जो पहले बकरा लिया था वो ब्लैक था, और इस बार हमने ये ले लिया मिक्स, क्योंकि अभी जो है ना बकरा, क्योंकि जो ब्लैक अगर लेते ना फिर वो हमें सोमवार जाकर मिलता, तो अभी हमने करना था ज़िबा जल्दी, तो हमने कहा चलें जैसे मिलता है वैसे कर देते हैं। और ये हमें मिक्स मिला है, कुछ रेड और कुछ ब्लैक, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, खैरात ही करनी है तो जैसा मिल जाए वैसे ही कर देते हैं। अभी देखें बारिश भी आ गई है और इतनी ठंडी ठंडी वो कड़ियाँ पड़ रही हैं ना, वो क्या कहते हैं, बारिश के कतरे पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आसमान भी पूरा बादलों से भरा हुआ है, और भाई काम भी कर रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है।
अगर जरा बारिश आ गई तो फिर एक स्टॉप करना पड़ेगा हमें, या फिर हम बरामदे में ले आएंगे और यहाँ पे बैठ के ना बना लेंगे, क्योंकि यहाँ बरामदे में आपको पता इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जिसका वो ऊपर लटका हुआ है ना, वैसे लटकाने की जगह नहीं है यहाँ पे। फिर देखेंगे क्या बनता है, अल्लाह करे कि बारिश थम जाए, ज़्यादा ना आए, अगर आ गई तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अभी अरम को हमने भगा दिया है अबू वालों के घर, क्योंकि वो डरता है बहुत ज्यादा। वो कहता है, वो पूछता रहता है कि बकरा ये उठेगा, अभी इसको बनाएंगे फिर चलना शुरू हो जाएगा। फिर कहता है मुझे डर लगता है खून से। फिर इसको ना हमने अबू के साथ भेज दिया कि चलो जाओ आप अबू के घर। चलें जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है, कुछ बन गया है ये। और अभी उसके लेग वगैरह जो है ना पीछे पीछे वाली साइड वो पड़ी हुई है, अभी इसको काटेंगे बनाएंगे, उसके बाद हम इनको शॉपरों में डाल के ना तकसीम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शाम होने वाली है तो हम सोच रहे हैं कि शाम से पहले पहले इसको तकसीम कर दें, ताकि वो जिन्होंने जिनको दें वो शाम को पका लें और इसको खा लें। ये डॉगी बाहर आ गए हैं और ये आंते वगैरह जो है वो खा रहे हैं। इस साइड पे जो है ना शदीद बारिश हो रही है, इस साइड पे हमारा जो शहर है ना इस तरफ, और पहले इधर से थी बारिश फिर इधर चली गई है। अब हमारे आसमान से देखें, हमारे ऊपर ऊपर से बारिश खत्म हो चुकी है, हल्की हल्की बरस रही है बस। अभी अहमद और अब्बू गोश्त डाल रहे हैं शॉपरों में। हाँ, और ये तकसीम करेंगे अभी। ये अभी तीन हमने जो बनाने वाले आए थे ना भाई, दो हमने उनको दी हैं, एक उनकी सिस्टर है वो भी बेवा है, तो हमने उनको जो है ना एक शॉपर दे दिया, मतलब तीन शॉपर उधर दे दिए हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ पे अभी डाल रहे हैं आधा आधा किलो गोश्त, वो डाल रहे हैं आधा आधा किलो से भी तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा। तो ये हम पैकेट बना रहे हैं, ये फिर एक शॉपर में डाल के फिर जाएंगे, जिन जिन को देना होगा वहाँ पे दे आएंगे, उनके घरों में बांट देंगे। तो अल्लाह पाक करे कि हमारे भाई जो है ना उनकी तबीयत ख़राब है, उनको दिल का मसला हुआ है, तो अल्लाह पाक करे कि वो ठीक हो जाएं। हम बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, और ये भी हमने कहा जने ये खराब कर देते हैं उनके लिए, कि अल्लाह पाक जो है ना ये कबूल करे और जल्दी से जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और हमारी बहन के साथ वो वापस हंसी खुशी अपनी जैसे वो रह रहे थे पहले। अभी बारिश हो रही है और कितना प्यारा मौसम बना हुआ है ये देखें, और बारिश हल्की हल्की हो रही है, बस इतनी हो ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर हमें ना ज़्यादा परेशानी होगी, और लाइट भी नहीं होती, फिर मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं दुआ मांग रही हूँ बारिश हो लेकिन कम हो, और बारिश चलो हो लाइट आ जाए तो फिर बारिश का ना कोई मसला नहीं होता, अगर लाइट ना आए तो फिर बहुत परेशानी होती है और मच्छर जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बारिश हो रही है, आंधी भी काफ़ी थी, बारिश की वजह से ना मिट्टी नहीं चल रही, मिट्टी बिल्कुल बह चुकी है। ये कौवा भी आ गया है, गोश्त बना रहे हैं ना तो कौवा आ गया यहाँ पे। अभी हमने इनको शॉपर में पैक कर दिया है, तो इनको अभी डालते हैं एक बर्तन में, तकसीम करना शुरू करते हैं। और ये है जी थैले, और ये भी मैंने देने हैं उधर दुकान वाले को, और मैंने लिए हैं दाने, कुछ 5-6 मन दाने लिए हैं, तो मैंने कहा चले इसको दे देंगे, वो इसको ना इसमें दाने डाल के रख देगा, फिर उठा लेंगे। और कौवा देखें, अभी हमने बकरा जबा किया है ना, उसकी जो होते हैं चिचड़े वगैरह वो खाने के लिए आ गए हैं कौवे। अभी ना मैं खुद ही ड्राइव करके आया हूँ रक्षा, और मैं दाने लेके आया हूँ गंदम के, और यहाँ पे आप इसको जो खड्डा है इसको बराबर करते हैं, जो खाला है इसको, तो उसके बाद जो है ना यहाँ से गुजारेंगे और फिर ले जाएंगे दाने अपने घर। बराबर करेंगे तो फिर यहाँ से रिक्शा गुजरेगा, वरना रिक्शा यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो मैं कहा चले इसको ना बराबर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ले जाएंगे आगे रिक्शा। दाने होते हैं बहुत ज़्यादा वजनी, उठाए नहीं जाएंगे हमसे। तो बस अभी थोड़े से दाने हैं, अब ये गुजर जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं रिक्शा और फिर ना उसको।
तारीफ मारी। सीट देखें। चले लड़का था उससे मैंने मांगा, मैंने कहा चले आपको कुछ पैसे दे देंगे इसके 150, मैं खुद ले जाता हूँ और ये डाल के आता हूँ घर। चले ये साल का राशन होता है, आपको पता है अगर ये दाने ना होना बंदे के पास जो कुछ भी नहीं है, अगर दाने होना साल के फिर समझे हर चीज़ है। वैसे दाने ले लेते हैं जैसे कैसे करके, बाकी फिर नमक मिर्चों से खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप शॉपर में डाल दें मुझे गोश्त और मैं रक्षा भी दे के आता हूँ वापस और गोश्त भी ना तकसीम करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, ठीक है जल्दी दे आओ ताकि वो खा तो ले बना के, आप अभी तक नहीं गए। मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाने भी आ चुके हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं काफी दिनों से इसे कह रही थी दाने ले आओ ले आओ, आज जो है हमारे दाने आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सामने थैले पड़े हुए हैं, 7 मन लिए हैं मैंने, 7 मन लिए हैं, वैसे 1 मन अबू वालों के घर भी पड़ा हुआ है, 8 मन हो जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि फिर मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि वो कम ना हो जाए बाद में। हाँ, तो ये भी गोश्त पैक हो चुका है जी शॉपर में, अभी चलते हैं देते हैं। आपने चलना है साथ? मैं नहीं जा रही, मैं खुद वो सालन बना रही हूँ। चलो ठीक है जी। अभी जी पहुँचे हैं हम इस घर में और यहाँ पे एक हमारी बहन और एक माँ रहती हैं, बूढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा, इनको हमने नल भी लगवा के दिया था, राशन भी दिया था और अभी मैं पहुँचा हूँ इनके पास, इनको गोश्त भी देते हैं और ये उनका पोते हैं या आपकी नानी, नानी का घर है, दादी का घर है जी इनका, और गोश्त इनको भी देते हैं और उनकी जो है ना कुछ माली हेल्प भी करेंगे। ये देखें जी, ये इनका घर है और ये हमने नल लगवा के दिया था इनको, अभी देख सकते हैं इनका बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब नीडी पर्सन है, तो हमने कहा चले इनको भी देते हैं। ये हैं जी कुछ पैसे और ये आपने अपने लिए कोई चीज़ ले लेनी है, ठीक है, जिन्होंने दिए हैं उनके लिए आपने दुआ लाजमी करनी है, दुआ कर जो दुआ जिन्हें देते। हाँ ठीक है, नहीं रोटी नहीं खाते हम, आप अल्लाह पाक आपको बहुत दे, आपके रिज़्क में बरकत डाले अल्लाह पाक। हाँ अल्लाह पाक, हाँ जी दुआ किता करो बस ब्याह क्या। हाँ जी जी, हाँ मेरा एक बेटा है तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे। हाँ जी, तो जी आमीन आमीन। तो अभी चलते हैं जी हम दूसरी जगह पे और वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी हेल्प मजीद करते हैं जी। अभी हम पहुँच चुके हैं एक और फैमिली के पास और आपको पता है कुछ मेरे पास डोनेशन भी थी, तो मैंने कहा चलें ये जो बच्चे हैं ना, पिछली बार मैंने इनको इनकी माली हेल्प भी की थी लेकिन मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, और मैंने सिर्फ इनको राशन दिया था वो मैंने वीडियो में दिखाया था, तो ये इनके नाना अबू, तो ये जो बच्चा है ना ये इसके अबू की जब डेथ हुई थी ना ये रो रो के ना इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर इन्होंने जो है ना जैसे कैसे करके इसकी चश्मा वगैरह लगवाया, इसको इसकी आंखें बनवाई हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है ना इसको चश्मा लगा हुआ है और इसकी प्रॉपर जो नज़र है ना वो ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलें कुछ पैसों की इनकी हेल्प कर देती हैं। तो ये नानाबू हैं इनके, लेकिन हम इनको बच्चों को देंगे, ये अपनी अम्मी को देंगे फिर, और इनकी अम्मी जो है ना इनको खर्च करेंगे, ठीक है ना, अपनी अम्मी को देने हैं, ठीक है ना, है ना। आप स्कूल में पढ़ते हो? कितनी क्लास में पढ़ते? कितने कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल है? अच्छा ए बाकी नहीं पढ़ते? अच्छा चलें ठीक है, आप इनका एडमिशन करवाएं तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जो हमसे होता रहेगा इंशाल्लाह हम इन बच्चों को याद रखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ये हमें हमारे दिल पे लिख के हैं अब इंशाल्लाह, जब भी हमारे पास कोई डोनेशन वगैरह आएंगी तो हम इन बच्चों को लाजमी याद रखेंगे और इनके पास जो होगा हम पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। आप इनका भी एडमिशन करवाएं, ये छोटा है अभी, ये भी हो सकता है इसका एडमिशन, आप इनको ले जाया करें स्कूल में, ठीक है। हाँ शाबाश, तो आप जाएँ अभी, गोश्त भी हमने इनको दिया है, इनको हमने दो हिस्से दिए हैं, एक इनके बच्चों का एक इनके नाना अबू का, तो दोनों इकट्ठे पकाएँ या जैसे पकाएँ वो पका के खा लेंगे। आराम, अभी यहाँ पे ना खेल रहा था आराम, थोड़ा ठीक हो गया आपका, फुल ठीक हो गया, ख्याल करना ये दर्द करेगा फिर आपको। ये खुली खुली है। अच्छा खुली खुली है, चलो ठीक है फिर, खुली है तो यहाँ पर सांप मारा था इसी का भी ना। हाँ देखो ना ये स्वा, हाँ ये शहद की मक्खी ना ऊपर बैठी हुई है, बड़ी जो शहद होता है ना वो बैठा हुआ है,
तो ये जो है ना इसमें इसमें पाँव रखा था आपने, शर्म किया करो, शर्म किया करो, आ जाओ भागो भागो, शहद आ रही है ऊपर से। तो अभी हमने दूध लिया है अम्मी वालों से, बाइक में देने के लिए गया था अम्मी वालों को, तो मैंने कहा चलें बाइक भी दे देता हूँ और दूध भी ले चलता हूँ, फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा वरना अगर दूध मैं नहीं लेके जाऊँगा तो। इसके अंदर शहद होता है वो खाते हैं, माखी नहीं खाते। शहद होता है? हाँ, मक्खियाँ थोड़ी खाते हैं, शहद खाते हैं। नहीं नहीं, इसको उड़ाना पड़ता है, इसका ना नीचे फिर घर होता है, घर के अंदर फिर शहद पड़ा होता है, फिर उसको ना वो निकालना पड़ता है शहद, जो हम माखी खाते हैं ना, जो शहद खाते हैं हम, तुम खाते थे ना पहले आप, हम उसका बड़ा घर होता है। हाँ, बड़ा घर होता है, उसमें ना फिर शहद पड़ा होता है, फिर उसको मक्खियों को उड़ा के ना फिर उससे शहद निकालते हैं, फिर वो शहद खाते हैं, ठीक है। हाँ तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा गोश्त को तकसीम कर दिया है, और मैंने गोश्त ऐसी फैमिलीज को दिया है सारा, जो साल में कभी भी गोश्त नहीं ले पाते, सिर्फ ईद उल अजहा पे वो गोश्त खाते हैं। तो मैंने कहा चलें ऐसी फैमिलीज को देते हैं, हमारे पास 20 शॉपर थे, 20-22 तकरीबन शॉपर थे, तो हमने सारा गोश्त जो है ना उन फैमिलीज को दिया है जो साल में कभी भी गोश्त नहीं ले सकते थे। तो ऐसे ही होना चाहिए ना समीना? हाँ, क्योंकि ये जो है ना हम तो फिर भी हैसियत रखते हैं, किलो 3 पाव, आधा किलो 2 किलो लेके अपना पका के खा लेते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ सफेद पोश होते हैं, गरीब होते हैं, हम भी गरीब हैं लेकिन सफेद पोश होते हैं, वो नहीं ले पाते। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें उनको आज गोश्त खिलाते हैं अपनी तरफ से और जिन्होंने दिया है उनकी तरफ से, हमने उनके घर जाकर दिया है और उन्होंने पैसे दिए थे और हमने लेके जिबा करवा दिया है ना। हाँ जी हाँ जी बेटा, वो मक्खी चटका गई है नाक पे। हाँ, जीजा को नाक में ना मक्खी, शहद की मक्खी काट गई है। हाँ, वो शरारत करती रहती है ना। हाँ, नहीं के नाक बैठे थे। हाँ, मक्खी उड़ रही थी। अच्छा, उसके नाक पे सर पे गर्दन मार के। हाँ। वो कह रहा है कि जो भड़ोला होता है ना गंदों वाला, उसके साथ बैठी थी जीजा, वहां पे शहद में मक्खी आई थी। हाँ, कलोटी, उसको भड़ोला कहते हैं। कलोटी, हम वैसे सलाकी में उसको कलोटी कहते हैं ना। चलें जी, माशाल्लाह से खाना वगैरह भी खा लिया, सारे काम निपटा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर देखेंगे सुबह क्या क्या काम होते हैं। तो पिछली बार ना हमने गोश्त में से अपना हिस्सा नहीं रखा था, हम ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं तो जो करता है वो नहीं खाता कहते हैं, जो खैरात करता है वो नहीं खाता, तो इसलिए ना हमने नहीं खाया। तो फिर हमें किसी ने बताया कि ये जो बकरा जबा किया है ये मतलब और फैमिली ने किया है, तो आपने सिर्फ जबा करवाया है तो आप जो है ना खा सकते हैं इसमें से, सदका खैरात जो है ना मतलब आपका हिस्सा भी इसमें शामिल है तो आप भी खा सकते हैं, कोई मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने भी थोड़ा सा ना उसमें से गोश्त निकाल के आज पका लिया है। तो ये अरहम के ना सुबह से कह रहा है कि क्या हमने लेली पकाई है, क्या हमने बकरा पकाया है। अभी ना हम गंदम के दाने भी ले आए हैं, यकीन करें बहुत बहुत खुशी हुई है, गंदम के दाने हमने ले लिए हैं और साल का हमारा खर्चा बन चुका है। तो ये भी काफी सर खा रही थी मेरा कि दाने लेके आओ दाने लेके आओ, मैंने कहा चले लेके ही आते हैं। मेरी ना आदत बन चुकी है, हर साल जब भी दाने आते ना मैं कहती पहले दाने ले लूं। हाँ, हर साल हम चार पांच मन लाजमी लेते हैं, क्योंकि मेन होती है गंदम, ये बहुत महंगी होती है। बाकी तो आपको पता है अगर घर में आटा हो ना उसके बाद बंदा चटनी कूट के रोटी खा सकता है, टमाटर की चटनी कूट के रोटी खा सकता है, जो इमली की चटनी कूट के रोटी खा सकता है, मतलब पेट जो है ना वो बंदा भर सकता है। मेन जो होता है वो आटा होता है, अगर आटा नहीं है तो फिर आप रोटी किसी के साथ भी नहीं खा सकते। तो इसलिए ना हमने कहा चलें गंदम ले लेते हैं, बाकी बेशक कुछ भी ना लें वो एक अलग बात है, इंशाल्लाह गंदम लाजमी लेंगे। तो इसलिए ना हमने कहा चलें 8 मन हमने ली है गंदम, 7 मन अभी लेके आया हूँ, 1 मन हमारे अब्बू के पास पड़ी हुई है उधर कमरे में, तो वो भी हम ले आएंगे इंशाल्लाह सुबह।
तो अभी है ना इसकी इसकी भी खुशी पूछती हैं कि कैसी है तुम्हारी खुशी, खुशी है कि नहीं है ये तो इसको पता होगा। क्यों नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। हाँ जी सही बात है, ये दाने है, दाने थे फिर भी अल्लाह पाक ने हमें फुर्सत दी है। हाँ जी ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे, मकान में से हमने बचाए थे। वो ना जब गंदम ले रहे थे ना तो फिर मैंने इसे कहा है कि आप अभी मकान को रहने दो, बस जितना बन गया है ठीक है, हमने गंदम लेनी है। तो फिर इसने कहा है अच्छा ठीक है, क्योंकि ये इसकी ये कह रहा था मैं ना सीढ़ियां बनवाता हूँ। हाँ। तो मैंने इसे कहा नहीं सीढ़ियां बनवाएंगे फिर पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो ही हम गंदम ले लेते हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर अभी क्योंकि जिंदगी पड़ी है पूरी, जो बाकी छोटी मोटी ख्वाहिशें ख्वाहिशें इंसान की जिंदगी भर खत्म नहीं होती, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चले ये तो जिंदगी की बातें हैं, इंशाल्लाह अब अभी घर बन गया है तो सीढ़ियां भी कभी चढ़वा ही लेंगे इंशाल्लाह ऊपर। तो इंशाल्लाह अभी गंदम ले ली है तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जरूरी भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम दो दो बंदे हैं, तीन कमरे हैं अभी बन चुके हैं। हाँ तो इसलिए मैंने कहा चले अगर फैमिली फिर अल्लाह पाक बढ़ाएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर सीढ़ियां भी चढ़वा लेंगे, आराम की शादी करेंगे तो फिर इसको ऊपर भेज देंगे छत के ऊपर। नीचे इसको नीचे नहीं आने देना हमने, बस ये कहता है ये कमरा मेरा है नया जो बनवाया है। वो कहता है मेरा भी है, मैंने तुम लोगों को नहीं आने देना इसमें। है ना आराम, वो देखो ऊपर पिछवाड़ा खड़ा करके ना ऊपर सो रहा है थैले के ऊपर, ये देखें आंखें में जल रही है इसकी। तो जी पहले फिर मैं इसी खत्म लेके नेक्स्ट वीडियो में हंसी बात लगा के बहुत सारी होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।